नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नील फ्लूट्स में। दोस्तों, अगली बार हमने एक सीरियल का सॉन्ग किया था और दूसरी भी कमेंट थी कि ये सॉन्ग भी करना है। तो दोस्तों, ये एक बहुत फेमस सॉन्ग है जिनको बजाने से हमें गर्व महसूस होता है। तो केसरी फिल्म का ये सॉन्ग है, तेरी मिट्टी। आज हम उसे फ्लूट पर सीखेंगे। दोस्तों, मेरे पास सी शार्प पहली काली की फ्लूट है और ये मेजर स्केल है, इसलिए बहुत कठिन नहीं है, बजाने में भी इजी रहता है। अगर आप अच्छी तरह से उसे समझेंगे तो 100% आपको ये सॉन्ग बजाना आ जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसका पहला पार्ट है वो रिदम लेस है, इसमें रिदम नहीं है, वहीं से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो शुरुआत में क्या है, तलवारों पे सरवार दिए, पहले ये करना है। मतलब तलवारों पे सर, पहले उतना करते हैं। सर किससे बजाना है, तलवारों पे, मतलब सा सा रे ग रे ग रे, रे को सा का कर्ण लेके बजाना है। पर वो, मतलब वो टाइमिंग में बजना चाहिए तो ही वो अच्छा लगेगा। वो जो सर शब्द आता है तलवारों पे सर, तो सर की जगह वो गरी सारे ऐसा ऐसा करना है। वो मुर्की कहते हैं दोस्तों उसको, तो उसकी भी प्रैक्टिस जरूरी है। मतलब बजाया रे है लेकिन उसके पहले ग का कर्ण लेके फिर रे में सा का कर्ण लिया है, फिर रे सा बजाया है, गरी सारे सा गरी सारे। मतलब वो है रे ही लेकिन ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सुर का कर्ण लिया है ऐसे। वार दिए, उसमें क्या किया है, सारे ग रे ग, तो ग पे स्टैंड नहीं किया है, ग पे जाके फिर वापिस सा पर आए, सारे ग रे ग। उसमें भी टंगिंग का भी ध्यान रखना है, तू 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 सा पे वापस आना है। तो ये जो फर्स्ट लाइन है, तलवारों पे सर वार दिए, वो मैं थोड़ा स्लो करके बजाता हूँ। तो आ गया समझ में इतना, आप आराम से प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरह से समझ के। हाँ, और दूसरी बात, इसमें आप ऐसा नहीं है कि हमें कॉपी ही करना है, आप अपना वेरिएशन भी इसमें डाल सकते हो, कौन मुर्की वगैरह, तो अपनी तरह से भी ट्राई करना है। दूसरी लाइन देखते हैं, अंगारों में जिस्म जला, उतना करते हैं, ग ग रे रे सा सा।
ये सिर्फ इतना ही है, ग ग र रे सा सा, मतलब अंगारों में अब जिस्म, वो एक ही नोट बजाए उसमें सा सा सा। इसमें एक बात ध्यान में रखनी है, ग ग र रे सा 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 सा, वो कैसे लेना है ग ग र रे सा, इसमें भी कर्ण का प्रयोग हुआ है, म का कर्ण लिया थोड़ा, रे में ग का कर्ण लिया और सा में रे का कर्ण लिया। समझ में आ गया, अंगारों में जिस्म सिर्फ इतना ही, ग ग र रे सा सा। तो ग में म का कर्ण लिया, रे में ग का कर्ण लिया और सा में रे का कर्ण लिया, तो ये कर्ण को भी हमें ध्यान में रखकर अच्छी तरह से बजाना है दोस्तों। ये प्रैक्टिस इसकी ज़रूरी है, सिर्फ ऐसे ही बजा कर छोड़ नहीं देना है, तो समझ के बजाना है। यदि आपको कोई बात समझ में नहीं आती है अगर वीडियो देख के भी, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। इतना समझ में आ गया, अंगारों में जिस्म, फिर जलाया है। दोस्तों इसमें मुर्की का बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है, जिस्म के बाद अंगारों में जिस्म जला, सा सा नी धपद, सा नी धपद, ये मुर्की अंग में लेना है, अलंकार की तरह इसके इसे नहीं बजाना है। मैं थोड़ा स्लो करके इसे बजाता हूँ, जला कैसे है, ये सिर्फ जला ही हुआ है, जला। अब या जलाया चलाया, या में क्या है, उसमें निशानी धनी, वो सुर लिया है। मित्रों है सिर्फ तीन ही सुर, सा धा नी सा, लेकिन ध ध में भी मुर्की है, नी में भी मुर्की है और सा में भी मुर्की है, सा नी धा निशानी धनी जलाया। सारे सनी सा, हे में जलाया है, ऐसा करेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन ये ऐसा ना लगे कि अलंकार बन जाए, अलंकार भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो मुर्की अंग में क्या होता है, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों सुर के कण होते हैं, फिर उसके बाद तब जाके कहीं हमने सर पे, तब जाके कहीं उतना, वो सिंपल है, सा 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 सारे सारे। मित्रों इसमें जरूरी नहीं आप टंगिंग करो, कौन से भी आप बजा सकते हो, तब जाके कहीं हम, हमें मुर्की लिए, तब जाके कहीं सा 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 सारे 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 सा निधा।
निधपद निध पद प, ये मूर के लिए निध पद प, निध पद प, ने सर पे पानी सा, सा के बाद मीन लेके वापस प पर आ जाना है। तो इतना, अब जाके कहीं हमने सर पे, उतना देखते हैं। सा 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 सारे सारे सा, हम निध पद प ने सर पे पानी सा, आ गया उतना समझ में। फिर ये केसरी रंग सजाया है, ये पदनी सारे, वही सुर है लेकिन उसे कर्ण लेकर बजाया है, ऐसे करना है हमें ऐसे। ये केसरी रंग रे 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 गे रे गे रे सा, रे 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 गे रे गे रे सा, केसरी रंग सजाया है। फिर से वो मुर्की वाला पार्ट है, सजा सा निध पद सा निध पद सजा या निध निधनी है, उसमें मुर्की नहीं करोगे तो चलेगा। ये केसरी रंग सजाया है, तो दोस्तों ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कॉपी ही करके बजाओ, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी करना चाहिए। तो ये जो ये पार्ट था वो रिदम लेस था, लेकिन बहुत बढ़िया है वो पार्ट, इसको करना चाहिए। तो आपको इसमें समझ अगर नहीं आता है तो आप कमेंट ज़रूर करें। तो इसके बाद जो पार्ट है वो रिदम वाला है, उसे देखते हैं। ए मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, उतना करते हैं। दोस्तों इसमें टाइमिंग का बहुत महत्व है, आज हम इसे टाइमिंग से ही सीखेंगे। समझ लो ये बीट चल रहा है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, हे मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क। तो हमें क्या ख्याल रखना है कि शुरुआत कौन से बीट से होती है। वन टू थ्री, हे मेरी जमी, हे मेरी, तो मेरी का जो मैं है उस पर पहला बीट है, तो मतलब हे जो है वो फोर्थ चौथे बीट पे। देखो, वन टू थ्री, हे मेरी जमी महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। तो शुरुआत कहाँ से करनी है वो आपको पता चल गया होगा, तो
1 2 3 उसके बाद स्टार्ट होता है, तो उसका नोटेशन यदि देखे तो रे 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 ग ग ग रे 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 ग ग ग रे 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 ग रे सा ध सा सा ग रे 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 ग रे सा ध सा सा। बजा के दिखाता हूँ। तो इतना कर लेते हैं पहले 1 2 3 रे 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 ग ग ग रे 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 ग ग ग रे 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 ग रे सा ध ध सा सा। कौन कहाँ लेना है, टंगिंग कहाँ करना है, वो भी बहुत मायने रखता है। तो तू 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 दूसरे रे में मैंने सा का कर्ण लिया है, फिर गरे लेके रे रे ग ग गया है, रे 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 ग ग ग रे 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 ग ग ग रे 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 ग रे सा ध ध सा सा। अब सा ध ध सा सा में प का कर्ण लिया है, वन टू थ्री ए मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा शायद, फिर से एक बार फ्लूट में बजा के दिखाता हूँ। इतना गरे में टंगिंग किया है, फिर फीकान पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। वो मित्रों ये सॉन्ग ऐसा है कि चौथे बीट से ही उसकी शुरुआत होती है, 1 2 1 2 3 फी कान पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तो सानी नी सा सानी नी 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 सा सा फी कान पड़े ध का कर्ण लिया है उसमें, सा नी 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 सा 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 नी रे सा सा नी नी ध सा नी रे सा सा नी ध सा नी रे सा सा नी ध। तो अपन में मुर्की भी लिए, कभी रंग तेरा फीका न पड़े कभी रंग तेरा समझ में आ गया, थोड़ा थोड़ा करके भेजा दूं। सा नी 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 सा 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 नी रे सा सा नी धा पा फिर जिस मुंह से निकल के खून कहे। पा 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 रे रे ग रे सा 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 पा 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 रे रे ग रे सा 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 सा। 1 2 3 पा 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 रे रे ग रे सा 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 सा। एक बार ये इतना हुआ, जिस मुंह से निकल के पा 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 रे रे ग परे रेग में मैंने सा का कर्ण लिया है,
खून कहे। जिस मुंह से निकल के खून कहे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा शायद। दोस्तों ये इतना कठिन नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी इजी बन जाएगा। तो उसके बाद वाला जो मेन लाइन है इस सॉन्ग की, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, उतना देखते हैं। प प प द सानी रे सानी द सानी रे सानी द, प पे तो आ ही जाना है, ध पे रुकना नहीं है। सानी रे सानी द ऐसा नहीं है, सानी रे सानी द प भी लेना है। तो प प प द ऐसे बजाना है, तेरी मिट्टी मैं मिल जावा, उसमें मुर्की भी है कौन भी है। मैं मिल जावा सानी रे सानी दा, तो जो है वो मुर्की लेके लिया है। ऐसे किया है, प प प द सा ऐसे भी बजा सकते हो, या फिर प प द सा सानी रे सानी द, ध जो है वो ध ली द प द प ऐसे करके लिया है। ऐसे फिर दूसरी लाइन है, गुल बन के मैं खिल जावा, वो भी सेम ही है। प प प द सा सानी रे सानी दा, इतनी सी है दिल की आरजू, प प प द द, तो के बाद प लेना है साइलेंट, प प प द द प स द प ग र ग प, इतनी सी है प प प द द प दिल की पसद आरजू, गर ग प प प प द द पसद गर ग प। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, प प प द धरे सा ऐसे किया है। लहरावा वो सेम ही है, प प प द ध रे सा सानी ध प, आगे बात समझ में। तो ऐसे करना है,
इतनी सी है दिल की आरज़ू। पपा पा दादा पपा सदा पगर गापा। दोस्तों इसमें फीमेल वर्जन में फ्लूट का वो आलाप है, इसमें वो गा रहे हैं जो सिंगर है वो इसे देखते हैं। शुरुआत में टंगिंग नहीं है, लास्ट बीट में टंगिंग है। वो रे गा रे गा, ग पे टंगिंग करना है। फिर मगरे गा, ग पे ही वापस ग पे ही टंगिंग करना है। फिर रे ग रे पा प रे, रे ग रे पा प रे। तो दोस्तों ये सेम तरीके से जैसे हमने किया था, ये मेरी जमी महबूब मेरी, सेम ऐसे ही सभी अंतर है। और दोस्तों यदि आपको ये अच्छा लगता है कि हमें दूसरा भी सॉन्ग सीखने को मिले, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, उसे शेयर करें, लाइक करें, और दूसरे जो फ्लूट सीखने वाले हैं उसे भी ये भेजिए। धन्यवाद।